हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो अपनी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। आप लोग मेरे से पूछोगे कि आपने चैप्टर 5 और चैप्टर 6 स्किप क्यों कर दिया है, क्योंकि वो आपके बोर्ड के एग्जाम में अभी नहीं आ रहा है, तो मैं उसको स्किप कर दे रहा हूँ और उसको लास्ट में हम क्रिएट कर लेंगे। जो आपका चैप्टर 5 था वो सॉर्टिंग का था और आपका चैप्टर 6 जो था वो सर्चिंग के लिए था। अब आपके जो 3 चैप्टर्स हैं वो चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 जो है वो आपके 20 मार्क्स के हैं। दैट मीन्स वो डेटा और डेटा क्वेरीज, दैट मीन्स एसक्यूएल के बारे में हैंगे। तो हम पहले इन चैप्टर्स को अपने कवर कर लेते हैं। जो हमारे दूसरे चैप्टर्स हैं, दैट मीन्स 5 और 6, वो हम बाद में कवर करते रहेंगे, क्योंकि जो हमारे चैप्टर्स बोर्ड में आ रहे हैं, जो हमारे लिए मेन टॉपिक्स एट प्रेजेंट हैं, उसको हम कवर कर लेते हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 7 का टॉपिक पढ़ रहे हैं। जो आज हम कवर करेंगे वो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा, डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग। उसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टैटिकल टेक्निक ऑफ डेटा प्रोसेसिंग को पढ़ेंगे। तो हमारे पास डेटा होता क्या है? डेटा आपको पता है क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। सपोज आपको कोई भी डिसीजन लेना होता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? डेटा। आप उनके डेटा देखते हो, फिर उस आप डेटा को उसको प्रोसेस करते हो और उसके बाद ही आप उसका रिजल्ट निकाल पाते हो कि आपको वो चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सपोज आपको अगर किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना था, तो उसके अंदर उस कॉलेज के बारे में आप क्या देखते हो? उसके कुछ प्रीवियस ईयर्स के आप क्या देखते हो कि प्लेसमेंट वहाँ पर कैसा हो रखा है, वहाँ पर जो कॉलेज की जो फैकल्टीज़ हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस कैसा है, फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं, वहाँ की लैब्स कैसी हैं, फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं, हॉस्टल्स हैं या नहीं है, फीस स्ट्रक्चर उनका कैसा है, और उस कॉलेज की आइडेंटिफिकेशंस और या उसकी जो रैंकिंग है वो कैसी है। देन इन सारे डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप इसको क्या करते हो? प्रोसेस करते हो। आप उसको प्रोसेस करने के बाद देन आप एक डिसीजन ले पाते हो कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, आपके सिस्टमेटिकली डेटा कलेक्ट करती है, रिकॉर्ड्स कलेक्ट करती है पॉपुलेशन का, जिसको आप क्या बोलते हो? सेंसस बोलते हो। सेंसस का डेटा किस लिए कलेक्ट कराया जाता है? उसके बाद गवर्नमेंट जो प्लानिंग होती है या पॉलिसीज जो इम्प्लीमेंट करना चाहती है उसको ईजिली इम्प्लीमेंट कर पाती है। अगर गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं होगा तो क्या वो पॉलिसीज और जो प्लानिंग्स एंड सिटीज़ के बारे में वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर हम स्टाफिंग जो कोचिंग स्टाफ होते हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन जो स्पोर्ट्स के बंदे होते हैं उनका क्या करते हैं? जो डेटा होता है उसकी उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, उनकी जो खेलते होते हैं उसको क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। जब वो एनालाइज करते हैं जब ही तो वो निकाल पाते हैं कि इनके अंदर कहाँ पर उनको इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ इस बंदे को कैसे इम्प्रूव कराया जा सकता है या इसके अंदर क्या कमी आ रही है। ऐसे बैंक क्या करता है? अपने जो कस्टमर्स होता है उनके अकाउंट डिटेल्स, उनके ट्रांजेक्शन्स और उनकी सारी चीज़ें को डेटा कलेक्ट करता है। अगर बैंक के पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा? फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई कहीं से भी निकाल सकता है, कोई कहीं से भी डाल सकता है अकाउंट। और अगर तो क्या होता है, डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लिए कि अगर आपके मोबाइल के अंदर भी कोई डेटा होता है और आप उसको लॉस कर देते हो तो आपको कितनी प्रॉब्लम आती है? जो आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं अगर आप वो लॉस हो जाते हैं तो आपको कितनी प्रॉब्लम आती है? नॉर्मली अगर हम बात करें तो डेटा आज की लाइफ में बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो डेटा क्या है? बहुत ही क्रूशल है। और किसके लिए? कोई भी डिसीजन लेने के लिए। जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे होते हो तो आप क्या करते हो? आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, दैट मीन्स जो आपके पास इनपुट्स होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बेस पर ही आप कोई डिसीजन ले पाते हो, और वो इनपुट्स आपके क्या होते हैं? दैट इज डेटास। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपने। जैसे कि हम अपने प्रीवियस एग्जांपल में मैं बोल रहा था कि अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है या कुछ भी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिसीजन लेने के लिए आपको डेटा चाहिए। तो अगर आप प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे, अगर किसी कॉलेज के अंदर 2000 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है और डिफरेंट कंपनीज में और डिफरेंट सैलरी पैकेजेस में किनते 3 साल में, तो अगर आप सिर्फ डेटा से आप कुछ नहीं कर पाओगे, उस डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस करना पड़ेगा। दैट मीन्स और आप उससे समझ भी नहीं पाओगे। तो जब भी आप अपने जो वाउचर्स देख रहे होते हो कॉलेजेस के, उसके अंदर क्या होता है? समराइज डेटा होता है। जो समराइज डेटा होता है उससे आप
आपके लिए इजी हो जाता है, जिससे आप जो प्रोसेस डेटा होता है वो आपके लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, जिससे आप एनालाइज कर पाते हो और डिसीजन ले पाते हो। सिर्फ आपके पास रॉ डेटा होता तो क्या होता, क्या आप कोई डिसीजन ले पाते? नहीं ले पाते, क्योंकि किसी भी रॉ डेटा क्या होता है, रॉ डेटा तो रॉ डेटा है, जब उस डेटा को प्रोसेस करके एनालाइज करके एनालाइज कराया जाए जब भी आप डिसीजन ले सकते हो। इन जनरल डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ, दैट मीन्स आपको डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, दैट मीन्स नंबर्स और फैक्ट्स का कलेक्शन होता है, किस सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, वेरिएबल्स में हो सकता है। डेटा जो आपका है प्लूरल और एंड सिंगुलर ऑफ वर्ड डेटा इज डेटम। यूजिंग कंप्यूटर डेटा इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स, जो आपका कंप्यूटर का डेटा होता है वो आप किस फॉर्म में स्टोर होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है, ये तो हर किसी को पता है। इंटरनेट हैज रिजल्ट इन जनरेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा एट वेरी फास्ट प्लेस। आप सोचो, आप कोई भी चीज़ कहीं से भी ऑनलाइन खरीद रहे होते हो या कुछ भी होता हो, तो जितना भी डेटा होता है वो क्या होता है, आपका एक डेटाबेस के अंदर जाकर स्टोर हो रहा होता है। आपने देखा होगा कभी कभार आपके पास जो मेल्स आ रहे होते हैं, जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे होते हो, इवन जो आप गूगल पे सर्च कर रहे होते हो या इधर उधर देख रहे हो, तो उससे रिगार्डिंग भी आपको मेल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके जो डेटा है, जो सर्चिंग है, जो इवन सर्च इंजन भी है, जो आप प्रोसेस कर रहे होते हो, वो आपके डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसी डेटा के बेस पे वो डिसीजन ले रहे होते हैं। तो आपके पास क्या होता है, नेम, एज, जेंडर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये क्या है, ये भी आपका डेटा है, किसका, पर्सन का। ट्रांजेक्शन डेटा जनरेटेड थ्रू द बैंक, बैंकिंग, टिकेटिंग, शॉपिंग, वेदर ऑफलाइन और ऑफलाइन। ट्रांजेक्शन डेटा भी जनरेट कराया सकता है, इमेज, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो वीडियो के थ्रू भी आपका डेटा जनरेट कराया सकता है, डॉक्यूमेंट एंड वेब पेजेस के थ्रू भी आपका डेटा जनरेट कराया सकता है, ऑनलाइन पोस्ट, कमेंट और मैसेज के थ्रू भी जनरेटर आपका जो डेटा है वो जनरेट होता है। सिग्नल जनरेट बाय सेंसर्स, वो भी आपका एक डेटा है। सैटेलाइट इंक्लूडिंग मैथोलॉजिकल डेटा एंड कम्युनिकेशन डेटा, अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एक्सेट्रा। आपने देखा होगा जो आपको वेदर फोरकास्ट होती है वो भी किसके बेस पर होती है, सारे डेटा के बेस पर होती होती है। जितनी भी आपके पास फोरकास्ट आ रही होती हैं वो रिगार्डिंग आपके वेदर हो, ये टेम्परेचर्स हो, जो कल का टेम्परेचर कैसा रहेगा, वो सिर्फ किसके बेस पर हो रही होती है, दैट मीन्स डेटा के बेस पे। डेटा हर कंपनी के लिए और हर चीज़ के लिए, हर पर्सन के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन हमारे क्लास 12th के बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैरी करता है आपके 20 मार्क्स आउट ऑफ 70, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तीन चैप्टर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स 7, 8 एंड 9, बिकॉज ये आपके 20 मार्क्स कैरी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी मैं आपको ऑलरेडी बता ही रहा था कि आपका जो डेटा है वो इंपॉर्टेंस, डेटा की इंपॉर्टेंस, हर डिसीजन ह्यूमन जो भी डिसीजन लेता है वो किस पे रिलाई करता है, डेटा पे। अगर जब उसके पास डेटा नहीं होगा तो प्रोसेस, दैट मीन्स जब तक डेटा प्रोसेस करोगे उसको, इवन आप छोटा सा एग्जांपल ले लो, अगर आप कोई भी मोबाइल लेने जाते हो तो उसके बारे में 10 जगह इंक्वायरीज करते हो। 10 जगह इंक्वायरीज करने का मतलब क्या, यू आर कलेक्टिंग अ डेटा। जब आप उस डेटा को कलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके अंदर क्या अच्छी क्वालिटीज़ है या नहीं है, उसी चीज़ पर डिपेंड करते हुए आप उसको, अपने डिसीजन को मेंटेन करते हो कि आपको लो या नहीं लो। चलिए आगे चलते, अब यहाँ पर एग्जांपल्स दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज्ड टू फॉर रिकॉर्डिंग द वोट्स ऑफ वोट कास्टेड, सब्सिक्वेंटली द वोटिंग डेटा फॉर ऑल द मशीन्स आर एक्यूमुलेटेड टू डिक्लेयर द इलेक्शन रिजल्ट। जब आप वोटिंग करने जाते हो तो आप क्या होता है, आप वोट करते हो और आपका जो डेटा होता है, दैट मीन्स जो आपने वोट करा होता है, वो किसके अंदर स्टोर हो जाता है, दैट मीन्स आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर हो जाता है। साइंटिस्ट रिकॉर्ड डेटा वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट कंपेयर एंड कंपेयर रिजल्ट। साइंटिस्ट भी जो आपके होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि अपने डेटा को हर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसका डेटा को क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, सो दैट वो अपने जो आज जो रिजल्ट आया और जो पहले रिजल्ट आ रखे थे उसको कंपेयर कर सके। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, जो वो मेडिसिन बनाती हैं, उसके लिए भी वो क्या करती हैं, अपने डेटा को रिकॉर्ड करती रहती हैं, जब भी वो नए मेडिसिन क्रिएट कर पाती है कि इसके अंदर क्या कमी थी, सो दैट उसको इंप्रूव कर उसको इम्प्रूव वो मेडिसिन को लॉन्च कराया जा सके।
लाइब्रेरीज मेंटेन्स डेटा अबाउट बुक इन लाइब्रेरीज एंड मेंबरशिप ऑफ लाइब्रेरी मेंबर्स। तो लाइब्रेरीज, आप लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो क्या होता है, कोई बुक इश्यू हो रही होती है, कोई रिटर्न हो रही होती है, इसका भी डेटा कहाँ पर आपका स्टोर हो रहा होता है, दैट इज लाइब्रेरी के अंदर। सर्च इंजन आपका क्या करता है, आप सर्च इंजन, आप गूगल के अंदर क्या करते हो, कोई भी चीज़ एंटर करते हो कोई सर्च करने के लिए, उस कंडीशन में क्या होता है आपका सर्च इंजन जो उसके पास डेटा अवेलेबल होता है, जितनी भी वेबसाइट उसके उसके पास अवेलेबल होती है, उस पर आपके जो आपने वर्ड्स डाल रखे उसको सर्च करके उस, अगर उसकी उसको वो वर्ड मिल रहा, इवन वर्ड भी मिल रहा होता है, तो आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर देता है। वेदर, अभी जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था कि वेदर अलर्ट्स आपको जो जनरेट करे जाते वो भी आपका किससे होते, जो आपका सेटेलाइट से डेटा रिसीव हो रहा था उसको एनालाइज करके आपके पास वेदर अलर्ट्स आपको आ रहे होते। तो सारा काम किसका हो रहा होता, डेटा का होता। अब ये डेटा किस किस तरीके से स्टोर होता है ये आपको आगे चलकर बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा किस कितनी भी तरीके का हो सकता था, डेटा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में आ सकता था, डिफरेंट तरीके से आ सकता था। आपका डेटा जो हो सकता था वो इमेज के फॉर्मेट, इमेज के फॉर्मेट में हो सकता था, नंबर्स की फॉर्मेट में हो सकता था, टेक्स्ट की फॉर्मेट में हो सकता था, आइकन्स की फॉर्मेट में हो सकता था, किसी भी चीज़ फॉर्मेट में हो सकता था, इवन वीडियोस की फॉर्मेट में हो सकता था। लेकिन आपका अगर हम डेटा की बात करें तो उसको हमने कैटेगराइज करा है दो तरीके से, एक आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है और एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। जो आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसको आप जो स्टोर कर रहे होते हो वो रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर कर रहे होते हो। सपोज ये जो आपका टेबल दिख रही है ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, अगर डेफिनेशन आए तो आप क्या लिखोगे, डेटा विच इज ऑर्गेनाइज एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन वेल डिफाइंड फॉर्मेट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा इज यूजली स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इन अ टेबुलर फॉर्मेट, दैट मीन्स आपके टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है, किसकी फॉर्मेट, रोज एंड कॉलम्स, वेयर कॉलम्स रिप्रेजेंट द डेटा फॉर द पर्टिकुलर पैरामीटर्स कॉल्ड एट्रीब्यूट और करेक्टर्स। ये आपका क्या है, एट्रीब्यूट हो गया। और जो आपकी रोज हो गई वो क्या है, डिफरेंट वैल्यूज हो गई, या आपकी रोज या क्या डिफरेंट वैल्यूज हो गई शो कर, या आपका क्या है एक इन्वेंट्री की टेबल है जो शॉपकीपर ने मेंटेन कर रखी है। ये उसका मॉडल नंबर है, ये प्रोडक्ट का नाम है, ये यूनिट प्राइस है, ये उस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है और उसके पास कितना आइटम्स इन हैंड है, दैट मीन्स आइटम्स इन इन्वेंट्री हैं, तो उसने ऐसे करके स्टोर कर रखा होता है। अगर सपोज उसने एक नोटबुक में सिर्फ लिख रखा होता तो उस कंडीशन में, अगर टेबुलर फॉर्मेट में नहीं होता तो वो इतनी ईजिली उसको रिट्राइव या उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कोई सा भी कॉलम कहीं पर भी वो प्रिंट कर देते हैं। अ न्यूज़पेपर कंटेन वेरियस टाइप ऑफ न्यूज़ विच इज कॉल्ड डेटा। आपका जो न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ आती है या कुछ भी आता है वो क्या है, डेटा है। देयर बट देयर इज नो फिक्स पैटर्न दैट न्यूज़पेपर फॉलो द प्लेस प्लेसिंग न्यूज़ आर्टिकल। वन डे देयर माइट बी थ्री इमेजेस ऑफ डिफरेंट साइज ऑन द पेज अलॉन्ग विद द फाइव न्यू आइटम्स एंड और मोर एडवर्टाइजमेंट, वाइल अनदर डे देयर माइट बी वन बिग इमेज विद थ्री टेक्सचुअल न्यूज आइटम। तो न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता है, किसी दिन कुछ आ जाता है, किसी दिन किसी फॉर्मेट में आ जाता है, किसी दिन किसी भी फॉर्मेट में आ जाता है। तो ये जो आपका डेटा है क्या है, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। ऑल्दो देयर आर वेज टू प्रोसेस द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ये नहीं है कि आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते, इसके भी कई तरीके के वेज हैं। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन हैंडलिंग द स्ट्रक्चर्ड डेटा इन दिस बुक, दैट मीन्स हम जो आपका CBSE का पैटर्न है उसके अंदर आप ज्यादातर जो काम करोगे वो किस पे काम करोगे, दैट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा पे। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आर समटाइम डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ सम अदर डेटा, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। जो आपका मेटा डेटा है उसके थ्रू आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो अपने किसको, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को। मेटा डेटा इज अ बेसिकली द डेटा डेटा ऑफ डेटा, दैट मीन्स डेटा का जो डेटा होता है वही आपका क्या होता है, मेटा डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल वी डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईमेल एज अ सब्जेक्ट रेसिपियंट्स मेल बॉडी अटैचमेंट etc। ये क्या है, ये आपका मेटा डेटा था। देर आर द मेटा डेटा फॉर द मेल्स डेटा, लाइक वाइज वी कैन हैव सम मेटा डेटा फॉर द इमेज एज अ साइज ऑफ इमेज इन MB और KB, इमेज टाइप JPEG, PNG और डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो ये जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, साइज है, ये इमेज का क्या है, दैट इज मेटा डेटा। ऐसे ही आपका
सब्जेक्ट रिसिपिएंट और मेल बॉडी और अटैचमेंट जो थे आपको क्या था, ईमेल का मेटा डेटा था। इवन आपके काफ़ी चीज़ें जो होती हैं जो आपके अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के डेटा को बता रही होती हैं, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। जो डेटा का डेटा बताती हैं दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। चलिए आगे चलते हैं। डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्ट करने का फॉर प्रोसेसिंग, किसी भी प्रोसेस कोई भी प्रोसेस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, डेटा। और वो डेटा आप क्या करोगे, जो भी प्रोसेस करोगे उसको आपको स्टोर करना पड़ेगा, या तो किसकी फॉर्मेट होगा, वी कैन देन स्टोर द डेटा इन अ फाइल और अ डेटाबेस फॉर लेटर यूज। ये तो है नहीं कि आप अपने दिमाग में रख लोगे या अपने माइंड में रख लोगे कि ये डेटा है और उसको आप प्रोसेस कर लोगे, क्योंकि जब डेटा होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा जब भी आप उसको प्रोसेस करते हो। साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपने जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो, ये तो है नहीं कि लास्ट एक्सपेरिमेंट के अपने दिमाग में रख लेते हैं, वो क्या करते हैं अपने जो डेटाबेस होता है उसके अंदर स्टोर करते जाते हैं, दैट मीन्स या किसी फाइल के अंदर स्टोर करते हैं सो दैट उसको वो प्रोसेस कर सके। सेल्स डेटा आर अवेलेबल विद द शॉपकीपर इन अ डायरी और रजिस्टर, इन केस वी शुड एंटर द डेटा इन अ डिजिटल फॉर्मेट फॉर एग्जाम्पल। आजकल क्या है, डिजिटल हमारा जो ज़माना है वो क्या है, डिजिटल ज़माना है, उस कंडीशन में क्या है, अब कॉपी और रजिस्टर्स का काम दुकानों पर नहीं होता है, दैट मीन शॉप्स पर नहीं होता है, वो भी आपका क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं, उसके अंदर वो अपनी एंट्रीज और आपके जो बिल्स जनरेट कर रहे होते हैं वो आपको दे रहे होते हैं, सो दैट उनको अपनी इन्वेंट्री इजीली मेंटेन कर सके। डेटा आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द डिजिटल फॉर्मेट सेज एज CSV, दैट मीन CSV फाइल्स के अंदर फॉर्मेट में हो सकता है, दैट इज कॉमर्स सेपरेटेड वैल्यू फाइल में हो सकता है। शॉपकीपर्स अब डेटा रजिस्टर्स में तो मेंटेन करते नहीं, वो क्या करते हैं सॉफ्टवेयर परचेज कर लेते हैं या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवा लेते हैं सो दैट वो क्या कर सके, बहुत इजीली अपने डेटा को मेंटेन कर सके। किसी भी चीज को एनालाइज करने के लिए आपके पास डेटा की जरूरत होती है। चलिए आगे चलते हैं। डेटा स्टोरेज, जब आप डेटा को क्या कर लेते हो, गैदर कर लेते हो तो आप अपने डेटा को स्टोर भी करते हो, तो उसको वंस वी गैदर द डेटा एंड प्रोसेस टू गेट द रिजल्ट वी मे नॉट सिंपली डिस्कार्ड द डेटा। ये नहीं कि आपने एक महीने का डेटा कलेक्ट करा उसके बाद अपने उसका रिजल्ट निकाला और उसको वो जो पुराना डेटा था उसको हटा दिया, उस डेटा को भी आप सेव रखते हो सो दैट लेटर यूज करके उसका उसको आगे रिट्राइव करा जा सके। वी वुड लाइक टू स्टोर दैट आइटम फॉर द फर्दर यूज एज वेल, डेटा स्टोर्ड इन एंड प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग ऑन स्टोरेज डिवाइस। तो आप अपने क्या करते हो, अपनी जो डेटा है उसको स्टोरेज डिवाइसेस में, दैट मीन्स HDD पे, दैट मीन्स हार्ड डिस्क पर, SSD पे, सॉलिड स्टेट ड्राइव पर, CD पर या DVDs पर, पेन ड्राइव्स पर, मेमोरी कार्ड्स पर या डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस पर आप उसको स्टोर कर लेते हो अपने कंप्यूटर पर या अलग से। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि डेटा को आपको स्टोर करना भी बहुत ज़रूरी है, और इवन आप डेटा को मल्टीपल कॉपीज में आप स्टोर करते हो। डेटा को प्रोसेस, सिर्फ डेटा कुछ भी नहीं होता है, अगर आपके पास डेटा है जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं करोगे तो वो डेटा क्या है, एक रॉ डेटा है, रॉ आप कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते। वी आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग एज डेटा एज दे होल्ड वैल्यूएबल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो आपका डेटा क्या है, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, दे कैन बी यूजफुल इन अवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। बाय लुकिंग द वास्ट और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वन कैन नॉट अराइव टू द कंक्लूजन, रादर डेटा नीड्स टू बी प्रोसेस टू गेट द रिजल्ट। जब तक डेटा को क्या नहीं करोगे, प्रोसेस नहीं करोगे तो आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, रॉ डेटा होता है, देन आपको डेटा को प्रोसेस करते हो तो आपके पास क्या आ जाती है, इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर आप अगर हम इनपुट की बात करें तो आपका डेटा कलेक्शन होता है, इसके अंदर डेटा प्रिपरेशन होता है, डेटा की एंट्री होती है, ये आपका इनपुट हो गया। देन आपको क्या करते हो, डेटा को प्रोसेस करते हो, यहाँ पे क्या होता है आपको स्टोर कराते हो, रिट्राइव कराते हो, क्लासीफाई कराते हो और अपडेट करते हो। देन इसके बाद आपका आउटपुट निकलता है, तो सबसे पहले क्या होता है, इनपुट होता है, देन प्रोसेस होता है, देन आपके पास आउटपुट आता है। कोई भी डेटा जो होता है आपका रॉ डेटा होता है, उस रॉ डेटा को आप प्रोसेस करते हो, देन आपके पास क्या आता है, आउटपुट आता है। तो आज जो हमने करा वो सिर्फ हमने ये देखा कि डेटा एक ह्यूमन लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर 7 जो होगा हमारा 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। देन हम चैप्टर 8 को भी, थोड़ा बड़ा है, उसको कोशिश करेंगे कि 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स में कंप्लीट करें। जिन चैप्टर हमारा 9 है उसको हम 4 पार्ट्स या 5 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो
सबसे ज्यादा बड़ा है पूरा एसक्यूएल जो है वो आपका किसके अंदर दे रखा है, वो आपका दैट इज चैप्टर नंबर 9 के अंदर दे रखा है। वैसे मैंने सारा एसक्यूएल का पार्ट जो है वो सुमित अरोड़ा के जो सेक्शन है वो ऑलरेडी मैंने पढ़ाकर आपको पढ़ा रखे, वो उसकी वीडियोज मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड कर रखी है, अगर आप उसको देखना चाहो जब तक आप उसको देख लो और उसको कंटिन्यू कर लो। मीनवाइल मैं इन सारी वीडियोस को भी आपको जल्दी रिलीज कर दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियोस कंटिन्यू रखूँ इस बार, इवन आज मेरी तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने अपनी वीडियोस को कंटिन्यू करा, मैंने इस बार कोई भी ब्रेक नहीं ले रहा हूँ। चलिए अगर इस टॉपिक्स के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।